गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लासरूम में एक दिन गुड मॉर्निंग नहीं किया इधर रोज रोज गुड मॉर्निंग करते हो क्लासरूम hmm? में तुम्हारी तरफ देखा तो इधर देखने का उधर देखने का नीचे देखने का ऐसा करते हो इधर रोज रोज गुड मॉर्निंग चल रहा है चलो चलो देखो क्या देखा है कितना क्या क्या देखा है देखो फटाफट -फड़। ओके चलो तो फर्स्ट क्या देखा है चलो सब लोग इधर तो फर्स्ट क्या देखा है डॉपलर इफेक्ट का जो सिंपल फॉर्मूला है वो देखा है तो वो कैसा है फटाफट -फड़ में एक बार रिवाइज करता हूं फिर स्टार्ट करेंगे डॉपलर इफेक्ट का जो भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है वो वो वाला हम लोगों ने देखा है क्या देखा है वो वाला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसीचुअल फ्रीक्वेंसी frequency. Frequency, उसको कभी -कभी तो ब्रैकेट में क्या रहता है ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड नीचे sound, रहता है औरती, औरती है, और नीचे क्या रहता है सोर्स तो ऑब्जर्वर को कैसे करने का है ऑब्जर्वर अगर टूवर्ड्स जा रहा है तो क्या करने का प्लस ऑब्जर्वर अगर अगर टूवर्ड्स जा रहा है तो प्लस ऑब्जर्वर अगर अवे जा रहा है तो क्या करने का माइनस ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है तो माइनस ऑब्जर्वर टूवर्ड्स जा रहा है तो प्लस सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है तो क्या करने का माइनस और सोर्स अवे जा रहा है तो क्या करने का प्लस तो ये हमने रट्टा मार के रखा है ठीक है अंडरस्टैंडिंग भी बताया तुम लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है तो अच्छा है वेरी गुड नहीं होता तो रट्टा मारो वो भी चलता है ठीक है साउंड क्या प्रॉब्लम है साउंड में प्रॉब्लम है कुछ नहीं प्रॉब्लम आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आज साउंड का सबको साउंड क्लियर है ना ओमकार बोल रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है बाकी लोगों को साउंड क्लियर है ना क्लियर होना चाहिए माइक कनेक्टेड है माइक कनेक्टेड है हाँ कनेक्टेड है सबको क्लियर है क्लियर है ठीक है ठीक है बाकी लोग तो, तो अपना अपना देख अपना मोबाइल कैसा है क्या है नेटवर्क नेटवर्क आ रहा है कि नहीं बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा नेटवर्क कम रह सकता है ठीक है चलो तो ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस देने का माइनस देने का वो उधर से देखने का फिर सेकेंड क्या हुआ सेकेंड में हुआ कि रिफ्लेक्शन होता है साउंड का रिफ्लेक्शन होता है तो यहां पर है वॉल है यहां पर है सोर्स ऑफ साउंड और यहां पर है ऑब्जर्वर ओके ऑब्जर्वर भाग रहा है नहीं भाग रहा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन सोर्स एक डायरेक्टली सुनाई देता है डायरेक्टली एक साउंड सुनाई देता है और एक रिफ्लेक्शन के बाद तो जो डायरेक्टली सुनाई देता है वो इस फॉर्मुले के हिसाब से करने का जो साउंड डायरेक्टली सुनाई देता है उसका फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का एज पर दी दिस फॉर्मूला लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता है इधर जाके वॉल पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है उसका फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करने का तो उसमें क्या करने का अगर सोर्स भाग रहा है तो अगर सोर्स मूविंग है तो ठीक है तो सोर्स का इस वॉल में इमेज लेने का सोर्स का इस वॉल में इमेज लेने का सोर्स का इस वॉल में इमेज लेने का और इसका स्पीड समझ समझो फाइव मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी उतना ही रहेगा फाइव मीटर पर सेकेंड ये इधर जाएगा टूवर्ड्स रिफ्लेक्टर तो ये भी टूवर्ड्स रिफ्लेक्टर जाएगा तो जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है उसका अपेरेंट जो डायरेक्ट सुनाई देता है उसका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको सोर्स पकड़ने का जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आती है

ये रिफ्लेक्टर ही भाग रहा है और दोनों स्टेशनरी है तो क्या करने का नहीं अगर रिफ्लेक्टर भाग रहा है तो इसको भी पांच का वेलोसिटी इसको भी दूर भाग रहा है तो ये भी दूर भाग रहा है ये भी दूर भाग रहा है ऐसा पकड़ने का अगर रिफ्लेक्टर दूर भाग रहा है तो ये भी दूर भाग रहा है और ये वाला भी दूर भाग रहा है ऐसा पकड़ने का ठीक है, ओके चलो तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट कर हैं। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे अभी ऑलमोस्ट सब केसेस हुआ है डिफिकल्ट केसेस जितना भी था उतना हुआ है एक हर केस चलो एक नया केस बताता हूं उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे तो नया केस देखो क्या है देखो ऐसा रोड है और ऐसा भी एक रोड है ठीक है चलो यहाँ पर एक कार है कार इधर जा रही है वेट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे फोर हंड्रेड हर्ट कार में से कितना फ्रीक्वेंसी निकल रहा है फोर हंड्रेड हर्ट ठीक है ओके अब उसके बाद यहां पर एक कार है यहां पर वो भाग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन उसका वेलोसिटी है थर्टी मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है है मीटर पर और इसके अंदर एक ड्राइवर उसके भी अंदर रहेगा इसके अंदर भी रहेगा इसके अंदर एक ड्राइवर है तो इसने कितना फ्रीक्वेंसी सुना इस ड्राइवर ने कितना फ्रीक्वेंसी सुना वो हमको फाइंड आउट करना है ठीक है चलो ड्रॉ करो ये नया केस है लेकिन न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में बताता हूं मैं ठीक है चलो करो फटाफट फड़। ये है सोर्स का वेलोसिटी ये है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी इसमें ऑब्जर्वर है इसमें सोर्स है चलो करो ड्रॉ यहां का एंगल है थर्टी डिग्री और जो यहां का एंगल है वो है सिक्स डिग्री ओके okay, चलो ये वाला एंगल थर्टी डिग्री ये वाला सिक्सटी और यहां पे तो नाइनटी है ये जाने वाली है, ये कर नीचे ठीक है ठेके? चलो ड्रॉ करो फटाफट फड़। और उसके नीचे लिखो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय इसको नाम दो ए फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए, इसको ए नाम दो और लिखो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालो डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए ठीक है हो गया फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अब देखो इसमें क्या करना है इसमें क्या करना है देखो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए चलो अब इसमें क्या करना है देखो ولا ايه इधर सुनो अभी ये भी इंपॉर्टेंट कैसे अलग कैसे तो ये वाला वेलोसिटी कुछ काम का नहीं रहता और ये वाला वेलोसिटी भी कुछ काम का नहीं रहता कौन सा वेलोसिटी काम का रहता है वे हैव टू कंसीडर वेलोसिटी वे हैव टू कंसीडर वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स वी हैव टू कंसीडर वेलोसिटी एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स इस लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी होता है वो इस फॉर्मूला में आता है जो अपना फॉर्मूला है उसमें ऑब्जर्वर और सोर्स को कनेक्ट करने का ये वाला लाइन ये वाला लाइन ऐसा ऐसा ये वाला लाइन तो इस लाइन के अलोंग जो भी वेलॉसिटी होता है दोनों को जोड़ने का सोर्स को और ऑब्जर्वर को दोनों को कनेक्ट करने का और उसके अलोंग जो वेलोसिटी रहता है वो उस फॉर्मूले में आता है कौन सा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्चुअल इस फॉर्मुले में जो भी वेलोसिटीज आता है वो कैसा आता है ऑब्जर्वर और सोर्स को कनेक्ट करने का और उसके अलोंग जो वेलोसिटी रहता है वो आता है ये वाला नहीं आता तो इसका इधर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसका इधर का ऐसा कंपोनेंट लेना पड़ेगा ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा वीवो का इधर का ये सिक्सटी है तो ये भी सिक्सटी आ जाएगा तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा विवो कॉस सिक्सटी और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा ये सिक्सटी है तो ये सिक्सटी नियर सिक्सटी कॉस आएगा और अवे फ्रॉम सिक्सटी ये वाला कितना आएगा वीवो साइन सिक्सटी ठीक है ऐसा होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ फर्क नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ फर्क नहीं करता नोट लिखो फटाफट -फड़ ऊपर लिखो नोटबुक के ऊपर नोटबुक के ऊपर लिखो क्या नोट लिखो क्या इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर लिखो नोट लिखो ऊपर लिखो नोटबुक के ऊपर Note, if velocity of source or observer, if velocity of source or observer, if velocity of source or observer is perpendicular to, is perpendicular to, is perpendicular to line joining. Is perpendicular to line joining source and observer. If calica, if velocity of source or observer, if velocity of source or observer is perpendicular to is perpendicular to line joining source and observer is perpendicular to line joining source and observer, then that velocity then that velocity then that velocity does not affect then that velocity does not affect apparent frequency then that velocity does not affect apparent velocity, apparent frequency sorry, then that velocity does not affect apparent frequency. ठीक है? चल, तो देखो इधर क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर source है, इधर है observer इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला ये लाइन है इस लाइन को परपेंडिकुलर वेलोसिटी कुछ फर्क नहीं करता तो ये पकड़ने का नहीं इसको काम पे नहीं काम में नहीं लेने का इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है cos 60 यही अपना काम का रहता है ये काम का है ये कंपोनेंट कुछ भी काम का नहीं है ठीक है परपेंडिकुलर से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता अब सोर्स का भी कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा सोर्स ऐसा है तो सोर्स का इधर एक वेलोसिटी आएगा ऐसा वाला सोर्स का वेलोसिटी इधर है तो इधर एक आएगा वो कौन सा आएगा वीवो वीएस कॉस थर्टी आएगा सोर्स का इधर का कंपोनेंट आएगा वीएस और सोर्स का इधर भी एक कंपोनेंट आएगा वो आएगा वीएस साइन थर्टी तो ये वाला कंपोनेंट काम का नहीं है ये वाला काम का है ये वाला कंपोनेंट काम का नहीं है ये वाला कंपोनेंट काम का है ठीक है चलो तो देखो अभी कैसा करना है देखो अभी सिंपल सिंपल एक कुछ नहीं रहता बस कंपोनेंट्स लेना इतना ही है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इधर ही करते हैं ना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड तो मैं कितना लेता हूं वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर इधर लो इधर लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना 330 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर 330 यहां पे 330 ठीक है वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर 330 नीचे 330 ऊपर क्या रहता है ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ये कंपोनेंट है ये ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर काम का करनी ये कंपोनेंट लेने का तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सब लोग इधर देखो अभी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या कर रहा है ऑब्जर्वर का का वेलोसिटी कंपोनेंट अवे जा रहा है एक्चुअली ऐसा जा रहा है लेकिन ये कंपोनेंट काम का है ये नहीं तो ये यहां पे सोर्स है ये जा रहा है अवे जा रहा है तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो क्या लिखने का माइनस ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो क्या लिखने का माइनस लिखने का नीचे रहता है सोर्स का तो सोर्स का है?

इनटू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है 400 है तो 400 मल्टीप्लाई करने का वेव वो कितना है 30 है पुट करो वहां पर वीएस कितना है 20 है सोर्स का वेलोसिटी कितना है 20 है यहां पर पुट करने का काज 30 cos 60 पुट करने का आंसर आ जाएगा ठीक है एग्जांपल लिख के लो चलो लिख के लो फटाफट लिख के लो ड्राइंग करो कंपोनेंट्स ले लो लिखो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं कैलकुलेशन घर पे करो घर पे मतलब घर पे ही हो लेक्चर के बाद तो तुम लोग बोलोगे घर पे किधर घर पे ही हाँ, मतलब लेक्चर के बाद चलो थोड़ा सिंपलीफाई किया चलो लिखो चलो हो गए क्या लिख के हो गए क्या कैलकुलेशन मत करो अभी कैलकुलेशन बाद में करो चलो बोलो क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया क्लियर है क्या क्लियर है क्या उतना बोलो मुझे बस क्लियर हो गया क्या पूरा ठीक है चलो तो आगे जाएंगे कैलकुलेशन करो घर पे कैलकुलेशन सिंपल है ठीक है चलो वापस में रिपीट बोलता हूं मेन रिपीट करता हूं चलो देखो इधर मेन कंसेप्ट क्या है सोर्स और ऑब्जर्वर को कनेक्ट करने का उनका वेलोसिटी किधर भी रहने दो उसका वेलोसिटी इधर है उसका उधर है किधर भी रहने दो उनको कनेक्ट करने का और उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट लेने का तो इसका लाइन के अलोंग कंपोनेंट ऐसा आता है और इसका लाइन के अलोंग कंपोनेंट ऐसा आता है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ काम का नहीं है तो ऑब्जर्वर इस कंपोनेंट से क्या कर रहा है दूर जा रहा है तो दूर जाने के लिए माइनस रहता है और सोर्स क्या कर रहा है इस कंपोनेंट के हिसाब से पास में जा रहा है तो सोर्स जब पास में जाता है तो क्या रहता है माइनस रहता है तो दोनों जगह पे माइनस होता है सॉल्व करने का क्लियर चलो नेक्स्ट अभी करते हैं चलो न्यूमरिकल्स करते हैं अभी थोड़े न्यूमरिकल्स करते हैं चलो आज क्या करो तुम लोग सॉल्व करो आज क्या करो ये डॉपलर इफेक्ट का जो बीट है डॉपलर इफेक्ट का जो भी सेक्शन है एररलेस में वो पूरा सॉल्व करो थोड़ी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो ठीक है थोड़ा अपना केसेस बचता है तो कल कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा एक दो केसेस अगर बचता है तो वो कल कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आज अभी काम करो ठीक है पूरा सॉल्व करके ले लो ठीक है चलो देखो इधर चलो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है करेंगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है स्टेशनरी है। कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एन यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो कितना फ्रीक्वेंसी सुनता है टू एन मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश ये कितना सुनता है टू एन सुनता है यहाँ पे एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हो गया एन वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 332 तो क्या फाइंड आउट करना है वेलोसिटी अभी ऑब्जर्वर को डबल सुनाई देता है तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स ही जा रहा होगा ऑब्जर्वर को डबल सुनाई देता है मोर फ्रीक्वेंसी तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ही जा रहा होगा तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है चलो करो कैलकुलेट करो तुम लोग बोलो कितना आता है बोलो मुझे आंसर चलो ये कैलकुलेशन करो तुम लोग जिनको आता है करो जिनको नहीं आता है इधर देख देखो बोलो कितना आता है आंसर थ्री थर्टी टू आता है चलो आता है क्या थ्री थर्टी टू चलो देखो इधर इधर देखो मैं बोलता हूं क्या करना है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सब लोग देखो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इन टू एक्चुअल तो अपेरेंट है डबल टू एन एक्चुअल को एन कैंसिल होता है यहां पे क्या पुट करने का ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी सोर्स को वेलोसिटी नहीं है तो यहां पे कुछ नहीं आता ऑब्जर्वर का वेलोसिटी प्लस किया है क्यों क्योंकि टुवर्ड्स जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स के लिए प्लस है तो प्लस तो ये ऐसा आता है 332 को इधर भेजो 332 का डबल होता है उसमें से एक 332 गया मतलब वापस सिंगल होता है तो वीवो कितना आता है 332 ठीक है चलो छपाई करो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे चलो छपाई करो हो गया चलो नेक्स्ट लिखो क्या है यहां पर एक सोर्स है और यहां पर एक सोर्स है टू सोर्सेस ए एंड बी आर सेंडिंग नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 680 एटी ये सिक्स एटी हर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी 680 एटी प्रोड्यूस कर रहा है वेलॉसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है थ्री फोर्टी लिसनर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बुक ने बी लिस्नर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक भाग रहा है तो क्या फाइंड आउट करना है इसका वेलॉसिटी फाइंड आउट करना है अगर इसको कितना बीट सुनाई देता है टेन बीट सुनाई देता है इसको कितना बीट सुनाई देता है पर सेकेंड टेन बीट्स ठीक है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी चलो लिखो फटाफट ड्रॉ करो फाइंड आउट वो चलो ड्रॉ करो क्या फाइंड आउट करना है हमको वीवो फाइंड आउट करना है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ठीक है चलो तो देखो इधर ही करने का मत करो मत करो नोटबुक पे मत करो तुमने किया तो तुमको आने वाला है लेकिन मैं करता हूं ओके मुझे पता है तुम लोग करोगे तो तुमको आएगा लेकिन मैं यहाँ या पे करता हूँ ठीक है चलो तो इसको दस बिट्स सुनाई देते हैं तो इधर से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है उसको मैं बोलता हूँ एन डबल डैश इधर से जो सुनाई देता है उसको मैं बोलता हूँ एन डैश और एन डबल डैश ये कितना आता है? 10 आता है है इधर से जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देता है ज़्यादा सुनाई देगा क्योंकि उधर जा रहा है तो मोर इससे दूर जा रहा लेस तो एन डबल डैश माइनस एनडैश कितना सुनाई देता है टेन ठीक है एन डबल डैश को निकालते उधर से जो फ्रीक्वेंसी को सुनाई देता है वो निकालते कैसा तो एक्चुअल तो है सिक्स एटी इधर से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देते हैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं ऊपर क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ही नहीं वो रुका है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है कितना वो हमको निकालना है टूवर्ड्स जा रहा है इस इसके का इसका कैलकुलेट कर रही ये टूवर्ड जा रहा है तो ऑब्जर्वर टूवर्ड जा रहा है तो क्या रहने का प्लस माइनस इधर से आने वाला फ्रीक्वेंसी इधर देखो इधर से आने वाला फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालने का ब्रैकेट इंटू सिक्स एटी इधर से आने वाला फ्रीक्वेंसी क्या ब्रैकेट इंटू सिक्स एटी ठीक है तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड ये सोर्स है सोर्स को तो वेलोसिटी है ही नहीं ऑब्जर्वर को वेलोसिटी कितना है वही निकालने का है अब ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से कंपेयर किया तो ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से कंपेयर किया, सोर किया तो क्या कर रहा है ये वाला ऑब्जर्वर जा रहा है तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो क्या लिखने का माइनस ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो माइनस सॉल्व करने का और वी निकालने का ठीक है चलो लिखो लिख के ले लो तो सिक्स एटी में कॉमन लेता हूं ये थ्री फोर्टी से इसको डिवाइड करने के बाद ठीक है करो तुम्हारा लिख के दो लो उतना तो करो देखो सिंपल कैलकुलेशन से मैंने किया ही नीचे देखो टेन बाय फोर टू पॉइंट फाइव आंसर आता है चलो लिखो यहाँ पे दिखाई नहीं देता तो देखो ऐसा दिख रहा है क्या चलो हो गया थ्री फोर्टी से सिक्स एट्टी को डिवाइड किया तो यहाँ पे टू आता है वहां पर भी टू आता है थ्री फोर्टी का डबल और यहां पे थ्री फोर्टी का डबल माइनस होता है यहां पे टू भी आता है ये माइनस माइनस प्लस टू भी तो फोर वी और टेन तो टेन बाई फोर आंसर क्या आता है टेन बाय फोर ठीक है चलो चलो नेक्स्ट करते हैं हो गया ना देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है चलो देखो ट्रेन ऐसा है यहां पे ट्रेन है ऐसा ट्रेन भाग रहा है ट्रेन का वेलोसिटी कितना है थर्टी मीटर पर सेकेंड है ट्रेन का वेलोसिटी उसके ऊपर एक सायरन है उसके ऊपर सायरन है बोंगा है पां कर रहा है क्या फ्रीक्वेंसी उसका 500 हर्ट्ज का ऑफ साउंड कितना दिया है थ्री फोर्टी फाइव दिया है अब क्या फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ट्रेन के आगे और ट्रेन ट्रेन के के पीछे के आगे वेवलेंथ कितना है अपेरेंट और ट्रेन के पीछे वेवलेंथ कितना है अपेरेंट वो हमको फाइंड आउट करना है ठीक है चलो ड्राइंग करो और सोचो ट्रेन के आगे अपेरेंट लैमडा और ट्रेन के पीछे अपेरेंट लैमडा ये हमको फाइंड आउट करना है चलो ड्रॉइंग करो ठीक है चलो तो अपेरेंट लैमडा कैसे निकालने का उसके लिए तो कुछ फॉर्मूला नहीं है अपेरेंट लैमडा कैसे निकालने का अपेरेंट वेवलेंथ के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी को डिवाइड करने के बाद अपेरेंट लैम्डा मिलता है ठीक है तो देखो इधर तो यहां पे मैं लैम्डा डैश का कैलकुलेशन करता हूं पहले लैम्डा डैश का करेंगे ऊपर लेता हूं यहां पे अपेरेंट लैम्डा कितना है कैसे कैलकुलेट करने का फ्रीक्वेंसी लैम्डा रहता है वेलोसिटी तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद लैमडा आएगा वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद लैमडा आएगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो अपेरेंट लैमडा मिलेगा तो इधर का फ्रीक्वेंसी डालने का इधर कितना फ्रीक्वेंसी तो इधर कितना फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब ऑब्जर्वर इधर है ऑब्जर्वर इधर है उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो उससे डिवाइड किया तो इधर का लैमडा मिल जाएगा और ये निकालते वक्त इधर ऑब्जर्वर पकड़ने का दोनों तरह दोनों केसेस में ऑब्जर्वर को स्टेशनरी पकड़ने का ठीक है तो ये वाला मैं निकालता हूं चलो तो पहले निकालने का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अपेरेंट अपेरेंट तो इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्चुअल फ्रीक्वेंसीचुअल कितना फ्रीक्वेंसी है पांच सौ ट्रेन ने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया पांच सौ ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्री फोर्टी फाइव नीचे रहते ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है नीचे क्या रहता है सोर्स सोर्स का स्पीड तो मतलब ट्रेन ही आवाज़ इज गोइंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर तो ट्रेन तो टूवर्ड्स तो जा रही है सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है तो सोर्स के टूवर्स के लिए माइनस रहता है सोर्स के टूवर्ड्स के लिए माइनस रहता है तो यहां कैलकुलेट करने का और ये वाला एन डैश उधर पुट करने के बाद लैमडा डैश मिलेगा ठीक है चलो ये वाला भी कैलकुलेट करो और लैमडा डबल डैश भी कैलकुलेट करो अभी मीटिंग एंड होने वाला है जब तक कनेक्शन होता है तब तक ये वाला भी कैलकुलेट करो ये भी कैलकुलेट करो ठीक है नहीं आता तो इधर देखो मैं कर रहा हूं चलो करो फटाफट काम चलो करो करो करो, करो।